इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि इस मैच में पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनिस खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए और भारत को लक्ष्य दिया। मैच में टीम के लिए शोएब मलिक ने सबसे ज्यादा 41 रन की पारी खेली, या यूं कहें कि उन्होंने पारी खेलकर पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। वहीं भारत के लिए मैच में अंताबी रायडू जबरदस्त प्रदर्शन कर 50 रनों की पारी खेली। वहीं यूसुफ पठान ने 30 रन और गुरप्रीत सिंह ने 34 रन बनाए। इस प्लेयर्स की वजह से ही इंडिया चैंपियंस की टीम मैच जीतने में सफल रही। बता दें कि यह मैच बर्मिंघम में खेला गया और युवराज सिंह की अगुवाई में इंडिया चैंपियंस आसानी से इस मैच को जीत गई। इंडिया चैंपियंस की टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मैच की तरफ गौर करें तो इंडिया ने अपना पहला विकेट 34 रन पर गंवाया और रॉबिन उथप्पा 10 रन बनाकर आउट हो गए। सुरेश रैना ने 4 रन बनाए और वो आउट हो गए। अंताबी रायडू ने शानदार पारी खेली और 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। गुरप्रीत सिंह ने 33 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली और परेवियन लौटे यूसुफ पठान ने 3 छक्के और 1 चौके के साथ 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान की पारी की बात करें तो पाकिस्तान का पहला विकेट ओपनर सरजील खान के रूप में गिरा, जो 10 गेंद पर महज 12 रन बनाकर आउट हो गए। सोहेब मकसूद ने 31 रन की पारी खेली और उन्हें विनय कुमार ने आउट कर दिया। कामरान अकमल ने 19 गेंदों पर 24 रन बनाए और कैच आउट हो गए। कप्तान यूनिस खान ने 7 रन बनाए और इरफान ने उन्हें बोल्ड कर दिया। मिस्बा उल हक 18 रन बनाकर रिटायर हर्ट हो गए। आमिर यामिन ने भी 7 रन की पारी खेली और बोल्ड हो गए। शोएब मलिक ने टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेली और 36 गेंदों पर 41 रन बनाए। सोहेल तनवीर 19 जबकि शाहिद अफरीदी 4 रन बनाकर नाबाद रहे।